On to our continued focus on the effect of cash crunch on traders and businesses alike. The transport business is bearing the brunt of the cash cleanup. Transporters claim that their businesses have come down by nearly 60 to 70%. Disha Shah gets us this report. The demonetization exercise has put the trucking business, one of the largest cash-based sectors, in a great difficulty. In fact, right now also you can see that the trucks over here in Thane are sitting idle at this point in time. The drivers are sitting idle because the Truck Drivers Association, the owners, they tell us that there is not a new cash to even pay the drivers at this point in time. With no new cash, their business has been affected by more than 60%. In fact, right now I'm joined here by the drivers and the owners of the truck. Ab mujhe bataiye ki 15 din mein ye aapke business ko kya affect hua hai? ये 15 दिन में हम लोग ने देखा है कि 15 दिन में हम लोग का पूरा बिजनेस स्वैप हो गया है. 60-70% हम लोग का गाड़ी यहाँ पे खड़ी है. और आगे चल के भी जो आपने जो गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है, रिजर्व बैंक ने जो पैसे का, उसका इफेक्ट इतना हो गया है कि हम लोग आज करेंसी दे नहीं पा रहे, ये छुट्टा नहीं मिल पा रहा है, बैंक में पैसा नहीं जमा कर पा रहे. जूना नोट का जो आज एक्सटेंशन था, कल 24 तारीख को ख़त्म हो रहा है. हम लोग कल से ये सोच रहे हैं कि टोल नाका कैसे दिया जाए, ड्राइवरों को कैसा पैसा दिया जाए, ये हम लोग पैसा कहाँ से अवेलेबल करें. एक तो मार्केट में पैसा नहीं है, उससे दिक्कत आ रही है. पर एक दूसरा सेम थिंग, गाड़ियों का जो EMI होता है, हम लोग बैंक में भर नहीं पा रहे, सामने से पैसा नहीं आ रहा है. अभी सिर्फ एक हफ्ता दूरी पे है हम मंथ एंड पे, जहाँ पे आपको सैलरीज देना पड़ेगा आपके ट्रक ड्राइवर्स को. सो आपको क्या लगता है, आप सैलरीज दे पाएंगे उनको? अभी जो ये कंडीशन है, 500 का नोट तो अभी फिलहाल मार्केट में इतना आया नहीं है. थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, लेकिन 2000 का नोट आ रहा है, वो उसमें छुट्टा नहीं मिल रहा है, चेंज नहीं हो रहा है उसका. समझो पास 2000 का नोट दिया ड्राइवर को, तो भी उसको घर में कुछ रेसें कुछ भी छोटा सा चीज़ लेने के लिए छुट्टा किधर मिलता नहीं. अभी कल का जो टोल नाका है, वो अभी जैसा बंद है ना, ऐसा ही बंद रहना चाहिए. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर सोच विचार करके ये जो टोल नाका है, वो कम से कम अभी 4-5 महीना, जब तक ये पैसे का मार्केट में बराबर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है पहले जैसा, तब तक ये टोल नाका बंद रखे. आप बताइए, आप ट्रक पूरा दिन चलाते हैं, तो आपको क्या अभी डिफ़िकल्टी फेस हो रही है? अभी कुछ नहीं, लेकिन अभी गाड़ी चलाने के लिए मालिक पर पैसा नहीं ना, पैसा दिएगा तो छुट्टा नहीं मिलता. डीजल को पैसा किधर चलाए बोलता मालिक, तो बैंक में मिलता नहीं पैसा आजकल. So clearly they say that the situation is very grim at this point in time. They are worried about just one factor, that once the toll extension, that's the toll extension will end on 24th of November, after that the trouble for them will only increase. You can watch live TV on our website mbnow.in. Find us on Facebook at facebook.com/magicbricksnow. And don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at Magic Bricks Now. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/magicbricksnow.